Assalamualaikum my YouTube family, कैसे आप सब? I hope कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे. So today's video is all about Avla Rita and Shikakai Share Homemade Shampoo. So friends, मुझे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि प्लीज हमारे हेयर्स के लिए कुछ बताइए. हमारे हेयर्स बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं, ड्राई हो चुके हैं और हेयर फॉल की तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है. हर किसी को हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है. So friends, अगर आप लोग ये वीडियो फुल वॉच करोगे और डिटेल में देखोगे तो आप लोग को खुद सब कुछ डिटेल में समझ में आ जाएगा कि मैंने किस तरह से बनाया है. फ्रेंड्स, आप लोग को ये पता होगा कि आंवला, अरीठा और शिकाकाई में कितने सारे बेनिफिट्स है हमारे हेयर्स के लिए, जो कि हमारा रीठा में एक कंडीशनर की तरह काम करता है. एंड शिकाकाई, बिल्कुल शिकाकाई में तो फुल विटामिन सी होता है जो हमारे हेयर के लिए बहुत ही बेनिफिट है. देख लीजिए, मैं अपने हेयर में लगाती हूँ, बहुत ही अच्छे हो चुके हैं मेरे हेयर. और काफी टाइम से मैंने नहीं लगाया था बिकॉज वो खत्म हो चुका था. सो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए फुल डिटेल में वीडियो भी बना दूँ और आप लोगों को दिखा दूँ और मेरा भी शैम्पू रेडी हो जाएगा. सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा. सो चलते हैं वीडियो की तरफ. बाय, अल्लाह हाफिज. चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स गो स्टार्टेड. सो फ्रेंड्स, ये है रीठा, नेक्स्ट आंवला, नेक्स्ट शिकाकाई और ये ऑप्शनल है मेथी दाना. आप लोग चाहो तो डाल सकते हो वरना कोई बात नहीं. मेरे लिए बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट्स है, मेरे स्कैल्प पे, मेरे हेयर्स पर सूट होता है, इसलिए मैं इसको ऐड करती ही हूँ. एंड मैंने इसको तीनों चीज़ों को मैंने अलग अलग बाउल में ओवरनाइट के लिए भिगो दिया था. सो ये भीगने के बाद बिल्कुल नरम सा हो गया. पहले तो बहुत ही ज़्यादा थिक था, अभी बिल्कुल नरम सा हो गया. इसलिए मैंने इसको, इसका सारे बीज मैंने निकाल लिए. शिकाकाई के बीज नहीं निकालने, शिकाकाई के बीज भी हमें, हमारे बालों के लिए बहुत बेनिफिट्स है, इसलिए हमें शिकाकाई के बीज बिल्कुल नहीं निकालने, सिर्फ और सिर्फ अरीठा के बीज निकालने हैं. इसके सीड्स बहुत हार्ड होते हैं, इसको हमें मैश करने में भी प्रॉब्लम होगी. फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होंगे, पूरी ओवर नाइट रखने के बाद भी ये मेल्ट नहीं होंगे, इसलिए हमें इसको रिमूव करना है. एंड नेक्स्ट हमने बर्तन, मेरे पास स्टील का बर्तन था सो मैंने वही लिया. अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई वगैरह हो, लोहे का बर्तन हो तो आप वो भी ले सकते हैं. ये बहुत अच्छा था स्टील का, इसमें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे कि कुछ नुकसान नहीं होता. सो मैंने यही लिया. एंड इसको बहुत अच्छी तरीके से आप खुद ही देख लो फ्रेंड्स, ये कितना अभी से ये कितना अच्छा शैम्पू बनकर रेडी हो चुका है. बट हम लोग इसको पकाएंगे अभी. देखिए, मैं इसको बॉईल करने के लिए रख दी थी बहुत देर तक. हमें इसको कम से कम 20-30 मिनट्स ऑफ पकाना है बिकॉज बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाना है. एंड पकाने के बाद कुछ इस तरह का हमारा रेडी होकर मिलेगा. हमें इसको ठंडा करना है एंड उसका जो पल्प होता है वो पूरी तरह से हमें निचोड़कर निकाल लेना है बाहर. फ्रेंड्स, आप लोग विटामिन ई, फ्रेंड्स आप लोग आंवले में क्या क्या, आंवले में विटामिन सी पाया जाता है जो कि 4 से 5 केजी ऑरेंज में जितना विटामिन सी पाया जाता है, ये एक आंवले में उतना विटामिन सी पाया जाता है. आंवला हमारे ग्रे हेयर को ब्लैक करता है. एंड शिकाकाई के बेनिफिट्स इट्स अमेजिंग. शिकाकाई हमारे बालों को मॉइस्चराइज रखता है, इसमें हमें कंडीशनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी शिकाकाई ऐड होगा तो. एंड नेक्स्ट रीठे के बारे में आप लोगों को बताती हूँ. रीठा है सबसे मेन इंग्रेडिएंट. रीठा भी हमारे बालों में एक बहुत ही अच्छी शाइन लाता है. रीठे के बारे में क्या ही बताना है फ्रेंड्स, रीठा तो आज भी ज्वेलर्स उसको अपने ज्वेलरी वॉश करने के लिए रीठे का ही यूज़ करते हैं. इसके जो सारे झाग दिख रहे
सारे के सारे रीठे की वजह से है। और शिका काई का वर्क है हमारे बाल को कंडीशनिंग करना, एंड रीठे का वर्क है जरूर हमारे शैम्पू में बिकॉज ये खराब नहीं होगा। हमने इसको बॉईल किया है, वर्क तो खराब नहीं होगा। बेनिफिट अगर हम इसको बॉईल नहीं करते तो ये मेथी दाना तो मैंने अपने हिसाब से लिया है, देखिए अगर आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके। और ये रहा मेरा शैम्पू रेडी निकाला बनकर, और हमारे शैम्पू है फ्रेंड्स, एक बार जरूर ट्राई करना। एंड मेरे चैनल पर न्यू है तो जरूर से सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर ले। स्कैल्प में बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।